एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको पेंट करना पसंद नहीं है या फिर पेंट करने में प्रॉब्लम होती है। तो आज का DIY विदाउट पेंटिंग है। इसमें कुछ मैंने रोप का यूज किया है जो कि जूट रोप है, वूल रोप है, बहुत ही कॉमन से चीजें हैं और आपको कहीं भी इजिली मिल जाएगी। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप थ्रेड रोप का भी यूज कर सकते हैं। और मैंने कुछ कम क्वांटिटी में बीट्स भी यूज करे हैं जो कि मेरे पास रोप नहीं था तो मैंने उसकी जगह पे यूज कर लिया है। आज का DIY बहुत ही यूजफुल रहेगा आपके लिए, बहुत ही इजी है इसको बनाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सर्कल शेप में एक कार्डबोर्ड को कट कर लिया है और मेजरमेंट करके देख लिया है इसका निशान लगा के। और ये मुझे समझ में नहीं आया मैंने ये हल्का सा व्हाइट पेंट क्यों ही किया है, तो खैर छोड़ो उसको। और हम इस पे अब ईविल आई का यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं जो कि सर्कल वाइज होता है। सर्कल बड़ा छोटा होता है तो हमने उसके अकॉर्डिंग एक के बाद एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे। तो इसके बीच में सबसे पहले ब्लैक होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्लैक नहीं था मेरे पास तो मैंने यहाँ पे ब्लैक मार्कर कर लिया है और ये मैं वूल यूज़ करूँगी इसमें। और तो मैंने यहाँ पे इसको स्टिक करने के लिए फेविकॉल का यूज़ किया है और फेविकॉल हमें अच्छे से लगा लेना है ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये सी ग्रीन कलर का मैं वूल को यहाँ पर राउंड राउंड करके मैं इस तरह से स्टिक कर दूँगी जैसे कि मैं वीडियो में शो कर रही हूँ। तो इसी प्रोसेस को हमें करते जाना है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर की वूल से। तो जहाँ पे हमने इसका सी ग्रीन वाले कलर का जो एंडिंग किया है वहीं से हमें वाइट वाले उनका स्टार्टिंग कर देना है और देन ब्लू वाले उनका स्टार्टिंग कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमारा बन के रेडी है। और ये बीच में इसको फिल करने के लिए मैंने कुछ बीट्स का यूज़ किया है। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मैंने बीट्स यूज़ की है तो यहीं पर मैंने हल्की सी कम क्वांटिटी में बीट्स यूज़ कर ली हैं ताकि ये ब्लैक अच्छे से हाईलाइट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे जो कार्डबोर्ड था बहुत ही ज़्यादा पतला था तो मुझे और थोड़ा सा मोटा चाहिए था तो मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड को और स्टिक कर दिया है इसके बीच में। तो मैंने पहले आपस में इसको ज्वाइन कर दिया है, मेरे पास बड़ा कार्डबोर्ड नहीं था इसलिए। तो अब मैं ईविल आई के ऊपर इस तरह से ग्लू लगा के मोटे वाले कार्डबोर्ड के ऊपर इस तरह से स्टिक कर दूँगी। लेकिन हमें इसको कट नहीं करना है, जो हमने कार्डबोर्ड को स्टिक किया है उसको हमें एज इट इज़ अभी ऐसे ही छोड़ देना है, बाद में कट करना है उसको। तो मैंने अब यहाँ पे एक जूट रोप ले लिया है इस तरह से और हमें इस तरह से अंदाजे से इसको कट नहीं करना है। सबसे पहले मैंने इसको ईविल आई के ऊपर एक मेजरमेंट ले लिया है और हमें मेजरमेंट से 3-4 इंच एक्स्ट्रा करके इसको इस तरह से नाप लेना है। तो इसका ईविल आई के नापने के बाद हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेना है और जो भी इसकी लेयर है वो हमें 9 लेयर चाहिए। तो इस तरह से मैं इसकी लेयर बना लूँगी। तो ये हमारी 9 लेयर कंप्लीट हो गई हैं। देखिए इस तरह से मैंने अपनी 9 लेयर कंप्लीट कर ली है और एक साइड से मैं इस तरह से ऊपर से कट कर दूंगी इसको। और ये कट करने के बाद हमें दूसरी साइड में इस तरह से छोटा सा एक रोप लेना है और इस तरह से इसको टाई कर देना है ताकि ये अलग अलग बिखर ना जाए। और अब मैं इसको इस तरह से जैसे हम चोटी बनाते हैं ना अपने बालों की, इस तरह से हमें इसको 3-3 लेयर लेके इसका चोटी बना देना है। और इसको हमें हल्के हाथ से प्रोसेस करना है ताकि ये थोड़ा सा फ्लफ़ी रहे। और अगर हम टाइट करके इसको बना देंगे तो ये बिल्कुल ही पतली सी एक लेयर बन जाएगी और दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसको हल्के हाथ से बनाना है ताकि ये एकदम फ्लफ़ी रहे, थोड़ी मोटी मोटी सी रहे। अगर हम ज़्यादा रोप ले लेते हैं तो ज़्यादा रोप लेंगे तो इसमें मतलब दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा ये। तो इसलिए हमें कम लेना है लेकिन हमें इसको हल्के हाथ से बनाना है। और ये बनाने के बाद मैंने एक छोटी और एक बड़ी इस तरह से बना ली है और मैंने इसको कट कर लिया है थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके, जो हमारा कार्डबोर्ड था वो मैंने एक्स्ट्रा लेके इसको कट कर लिया है। और जो हमारी छोटी वाली जो रोप बन के रेडी हुई थी ना, और मैं इसको इस तरह से स्टिक कर दूँगी ग्लू गन की हेल्प से। और हमें जो लास्ट वाला इसका जो पार्ट है ना, हमें इस तरह से बहुत ही क्लीन करके हमें स्टिक करना है ताकि बिल्कुल भी दिखने में बेकार ना लगे। तो इसका हमने जो नॉट टाई किया था वो खोल के इस तरह से हमने तीनों की लेयर एक एक करके स्टिक कर देनी है ग्लू गन से। और बिल्कुल हमें केयरफुली करना है ताकि जो हमारी ग्लू गन होती है ना वो थोड़ी सी गर्म हो जाती है, इसकी जो ग्लू होती है, तो हमें इसको थोड़ा सा केयरफुली करना है। मेरा बहुत बार इसमें हाथ जल चुका है। तो ये देखिए हमारी छोटी बड़ी दोनों स्टिक हो चुकी हैं और जो बड़ी वाली हमारी रोप थी ना, हमें इस तरह से ऊपर से एक्स्ट्रा छोड़ के तब करना है। और जो हमारा एक्स्ट्रा वो कार्डबोर्ड था वो हमने कट कर देना है बाद में। और बाद में हमें एक एक लेयर लेना है रोप की और इस तरह से हमें वही अगेन प्रोसेस करना है जैसे हम बालों की चोटी बनाते हैं।
तो ये भी हमारा इस तरह से हो जाएगा। इसकी छोटी छोटी लेयर चाहिए हमें, और इस तरह से मैंने इसको बना लिया है। और अब हम इसके कार्डबोर्ड के पीछे की साइड में ऐसे निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 5 निशान लगा लिए हैं। अब इस तरह से मैं लेयर को ड्रॉप शेप में बना के इस तरह से ग्लू से स्टिक कर दूंगी। तो मैं सारे स्टिक कर दूंगी इसी प्रोसेस से। तो हमारे ये ड्रॉप शेप के बन के रेडी हो जाएंगे, देखिए। और अब हमें एक एक करके इनको इन सारे निशानों पे इस तरह से स्टिक कर देना है। तो मैं ये सारे स्टिक कर देती हूँ इस तरह से। तो देखिए मेरे यहाँ पे सारे स्टिक हो चुके हैं, पाँचों के पाँचों। अब हमें इन पाँचों के बीच में एक एक स्टिक करना है इस तरह से। तो हम एक के बाद एक इनको इसी के बीच बीच में इस तरह से स्टिक करते जाएंगे। आपने कभी ना कभी मोर को अपने मोर पंख फैलाते हुए देखा होगा जब वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो ये कुछ बनने के बाद उसी की तरह लगेगा, बहुत ही खूबसूरत सा। सो दिस इज़ द फाइनल फिनिश लुक। और ये है ना कितना प्यारा सा, और जो नीचे का जो मोर पंख जैसा बना है ना, वो सच में कितना खूबसूरत लग रहा है। और आप ही देखिए, जो ईविल आई है ना, आप इसको घर में लगाएंगे तो आपका जो घर है ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। आप इसको अपने घर में बना के लगा सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ईविल आई को अगर आप अपने घर में रखते हैं तो वो लक्की माना जाता है, आई डोंट नो वाई। तो बट आप इसको आप ट्राई करना, अगर लक्की होगा तो मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि सच में लक्की होता है कि नहीं। आप मुझे डीएम कर सकते हैं रिक्रिएट करके, मेरे इंस्टा आईडी नीचे मेंशन है। आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो और बहुत पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से डीआईवाई के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।